जैसा कि अपना काम करते हो यहाँ से। अरे मैरिज कब है बताओ? मैच तो दो को है। मैच तो दो तारीख को है, पर आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लगता है तैयार होकर शादी में जा रहे हैं। वो सब छोड़ो, मैच देखते हैं, चलो आओ। शादी 2 तारीख की रात में है, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ओके, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बाबू, आनंद बाबू। ए, तुम इनका ध्यान रखो। हाँ, तुम जाओ, मैं पैसे भर दूंगा। सर, खेल शुरू हो गया सर। अरे सर, हम लोग देखेंगे नहीं बल्कि हम लोग भी खेलेंगे, मैंने ऐसा सोचा था। ये कैसे हो सकता सर, हम वहाँ कैसे जाएंगे? सर वहाँ जाके क्या करेंगे, यहीं पे खेलिए ना। वैसे भी आपकी भविष्यवाणी हमेशा सही होती है। ये क्या है, चापलूसी कर रहा है क्या? नहीं नहीं सर, चापलूसी वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ। पैसे नहीं है इसलिए जनरेटर डाउन है, लाइट ही नहीं है यहाँ पे। सर सिर्फ एक गेम खेलिए ना। अरे सर, पहली बैटिंग ठीक रहेगी ना? आप जो बोले वो ठीक है सर, गुरु है आप तो। मेरा खाना पीना सब हो गया, अब आप क्या करेंगे सर? वैसे अभी आप क्या करने जा रहे हैं सर? हाँ समझ गया, ये पक्का चौका ही है ना? अरे वाह, ये तो चौका ही है आनंद सर। हे, ऑलरेडी हम उसे वो खेल खिला रहे हैं जो पहले ही खत्म हो चुका है। ब्लूटूथ से ध्यान से पीछा करो उसका, तुम वो सब करना जो मैं तुमसे कहूंगा। सर मेरी तरफ से 10,000 रुपया लगाइए ना कि वो 10 ओवर में 80 रन बनाएंगे, मैं आपको वापस कर दूंगा। हाँ सर। अरे बॉबी। बोलिए सर। एक 10,000 रुपए लगा दे। ओके सर। अरे अगर हम पैसे हार गए तो क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए सर, आज के मैच में वो बहुत मारने वाला है, आप खुद देखिए कैसा मार रहा है। वो चौका पे चौका मारे जा रहा है, देखिए ना सर, गैप में मार रहा है, छक्का भी मारा। ये सिक्स है सर। अरे बाबा क्या छक्का मारा है, हमें तो पार्टी करनी चाहिए सर। प्लग प्लग। अरे सर प्लग 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 सर प्लग प्लग। अरे बेवकूफ, अच्छा वो प्लग बोल रहा है। सही समझे सर, वो इस ओवर में अपना 100 पूरा कर लेगा। 1,00,000 लगाइए सर। 1,00,000? आप टेंशन मत लीजिए सर, जब आप बोलेंगे तभी वो मारेगा, आप खुद ही देख लीजिए। अरे बॉबी। हाँ बोलिए सर। 1,00,000 रुपया लगा दे। ठीक है। ओके सर, उसकी बैटिंग तो देखिए। सर अब लखपति बन गया। 1 घंटा पहले तक भिखारी था, अब लखपति हो गया। अभी तक तूने कुछ नहीं देखा। सर आप ही 4 है, आप ही 6 है सर। यस आई एम 4, आई एम 6, आई एम बाउंड्री। या मैं तुम्हें क्रिकेट बायोस्कोप दिखाता हूँ। जस्ट वेट। अरे बॉबी। हाँ सर। फैंसी रेट क्या है? 22-23। हाँ 23 फैंसी सर। ओके 50 लाख लगा दे। 50 लाख? यस। ओके सर लगाओ। सर सर अब तो जब भी आप देखते हो तभी वो चौका छक्का मारता है सर, आप चिंता मत कीजिए सर। हिट हिट रे, कम ऑन हिट। Hit! Boom! Has he got all of that? It's now the highest score ever. Yes! I am legendary! I am cricket! Cricket I am! Yes! 3-5. Congratulations all round. Sir! Ray! Sir! Flag ke baad kaun aane wali hai? Flag ke baad kaun aane wali hai, Ray? बुला उसको, बुला। किसे सर? बुला।
हेलो हाय देखा ना सर, आपने बुलाया और वो आ गई। वही रे। अरे सिक्स मारने पर जो डांस करती है ना वो लड़की यार। कौन सर? वो कौन है? वो कौन है रे जो ऐसे ऐसे डांस करती है ना? चीज गर्ल्स। चीज गर्ल्स नहीं रे, चीयर गर्ल्स। अरे उनको बुलाना। हेलो। अरे बॉबी। हाँ सर। कैश भेजना यार। जीतो या हारो, स्पॉट सेटलमेंट चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहिए तो उसे 3-4 पेग्स और पिला दो, समझ गया ना? बैटिंग रेंज बढ़ जाएगी। बस इतना ही कि आप और देंगी? हाँ जीतने पर। ए, दिस इज मनी रे, क्रिकेट लेजेंडरी। कम ऑन, हैव इट मैम, यू गॉट वन मोर, टेक टेक दिस, टेक दिस, कम ऑन कम ऑन, तू भी लेना, मजे कर, ये ले, एंजॉय। बॉबी, हाँ, यस, स्पीकिंग, 1 crore भेज यार। 1 crore सर? 1 crore कैश भेज। ओके सर। Come on, hit. That's going to be out, I reckon. Yeah, it is. Go. Got him. Good catch. That is a big one, but it's up in the air. Will it be taken? AB de Villiers under it. Takes it. Oh, it's up in the air. This will be taken. मैं जाती हूँ, यहाँ से निकलना मेरी वाली है। चलो भाग यहाँ से। चलो चलो यहाँ से निकल जाए। चलो मैं हूँ ना, थोड़ा सा डांस करें क्या? अरे बचना दीनो, लो मैं आ गया, मा दम दम, तुम ना जाना मुझे छोड़ के, मेरी जाने मन, आजा आजा मेरी बाहों में, आजा चल कोने में चलते हैं। सर बॉबी ने आपके साथ डबल गेम खेला है सर। सर आपने अभी का मैच नहीं खेला है सर, ये सुबह हो चुका है। ऑलरेडी खेले हुए मैच को उसने मेरे ऊपर चिपका दिया। अरे बॉबी, मैं देखता हूँ तू शादी कैसे करता है रे। अब मैं उसे पाठ पढ़ाता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। अगर तुम्हें पता है कि तुम हारने वाले हो और फिर भी तुम खेल रहे हो तो ये गलती है, और अगर तुम्हें पता है कि तुम जीतने वाले हो और उसके बाद भी खेल रहे हो तो ये बहुत बड़ी गलती आपको है। पता है? Excuse me? Yeah. Thank you. 2 packs, please. तुमने दो क्यों नहीं बोला? मैं कब से बोल रहा था तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है। तुझे पता है ना मैं पहले से ही टेंशन में, और तू है कि तुझे डर है कि मलेशिया की फ्लाइट टकरा जाएगी क्या? आपने बचाया है ना, उसे दीजिए। तू एक्स्ट्रा करेगा तो एक्स्ट्रा पैक नहीं देंगे। आपने देखा ना, ये सारे लोग मलेशिया से हैदराबाद तक का सफर कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों में एक टेंशन दिख रहा है। तभी तो ये लोग शराब के अंदर जूस मिला के पी रहे थे ताकि थोड़ा टेंशन कम हो जाए।
फ्लाइट में फुल ड्रिंक करने के बाद सब लोग सो गए। ऐसे सो रहे थे जैसे बस में सो रहे हो। और हमारी पुलिस की एक बहुत तगड़ी स्कीम निकली है इन सभी लड़कों के लिए। अगर हम इन लोगों को पकड़ लेंगे तो हमें कोई स्टोरी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर हम इन्हें पीटे हुए पकड़ते हैं तो हमें एक स्टोरी मिल जाएगी। सर, रोड नंबर 45 पर चेक पोस्ट लगाया है। सर, हम किसी को भी जाने नहीं देंगे, चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो। इन्होंने तो रास्ता ब्लॉक कर रखा है। ड्रंक एंड ड्राइव इज अ क्राइम। अगर आप अपने सेटअप पे रहोगे तो मैं भी अपने स्कीम पे रहूंगा। मैं भी तुम लोगों को बताता हूँ मामा, अभी दिखा दूँ क्या होता है। रिकॉर्डेड। यस। हाय, क्या आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं अभी एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ। अगर ये सफल हो गया ना तो दो चार लोगों को शेयर कर देना है। फिर वो लोग अगले दो चार को शेयर करेंगे और वो दो चार लोग अगले को शेयर करेंगे। मैंने एक ऐसा प्लान बनाया ना कि फ्यूचर में सबको एक बढ़िया स्कीम मिल जाएगी। ठीक है ना? रेडी स्टार्ट नाउ। अरे रुको 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 रुको, ऐसे रास्ते में साइकिल लेकर क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता क्या? रास्ता है ये कोई साइकिल पार्क करने की बात नहीं है। हटाओ इसे। ठीक है ठीक है, जाओ 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 जाओ। तुम ऐसे नहीं समझोगी, मामा पर्ची काटेंगे ना तो समझ में आएगा तुम्हें। सर, मिनिस्टर का बेटा लग रहा है, जाने दो क्या? तेरी तो तेरी टोपी चली जाएगी। क्या तुम मिनिस्टर के बेटे हो? देखो, या तो तुम्हारे पापा मिनिस्टर हो या तुम्हारी माँ कलेक्टर हो, भाई हीरो हो या बहन लॉयर हो, कोई भी हो, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ एक बार फूंक मारने के लिए। यहाँ पर मशीन में यह लाइव है और यह कैमरा है। ए, इसके मुंह में पाइप डाल। अरे सर, एक बार प्लीज प्लीज। अरे एक फूंक तो मार। सर, फूल हो गया। क्या देश में लोगों को क्वार्टर और हाफ नहीं मिल रहा है? तू पूरा का पूरा पी गया। ए, इसको बोलो गाड़ी साइड में लगाए। मैं एक फिल्म दिखाता हूँ मामा, एक फिल्म दिखाऊंगा तुमको। सर नमस्ते। सर वेलकम, आदाब अर्ज। नमस्ते। ए, अपनी साइकिल हटा। चेक कीजिए ना सर, मैंने शराब। तुझे क्या चेक करना, तू तो साइकिल से आ रहा है। सर इस साइकिल को कम मत समझिए, साइकिल वाले राजाओं के राजा होते हैं। प्लीज चेक करिए सर, इसके अंदर एक कोई स्कीम नहीं है। निकल यहाँ से। निकल यहाँ से। अरे चल निकल। एक मोबाइल वाले से परेशान हो, दूसरा साइकिल वाला भी आ गया, भगाओ इसे। ये तो नील दिखा रहा है। नहीं पिया तो इसे भेजो। अरे कितनी बार बोलूं? का नाम गाड़ी फिल्म नगर पे ड्रॉप करने के 1000 रुपए, कोडापुर ड्रॉप करने के 300, जुबली हिल्स ड्रॉप करने के 500, माधोपुर ड्रॉप करने का 300, 50 ओनली, कहीं के लिए भी 50। वाह, ये बढ़िया लगता है। 50 रुपए में कहीं भी ड्रॉप करोगी? हाँ सर। प्लीज कम, जब सारे ड्राइवर यहीं पे हैं तो हम किसी और कस्टमर की चिंता क्यों करें? तुम लोग वहाँ पे जाओ, एरिया को पूरा बांट लो। कम ऑन बेबी। अरे मूर्ति सर, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे गुरुजी शराबी लोगों की बहुत क्लास ले रहे हैं। वो एक समाज सेवक भी है। तो क्या वो राजनीति में शामिल होने जा रहे हैं? ऐसा कोई इरादा नहीं है सर। तुम्हें अपने गुरु के बारे में क्या पता है? मुझे पता है। ठीक वो है सर। कोई MLA मिनिस्टर की सीट लेने वाला है। अरे अरे इसके मुंह में पाइप डाल। हैप्पी संडे सर। वापस क्यों आ गया? अरे संडे तेरे लिए, हमारे लिए नहीं है। तू देख नहीं रहा है कि हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं? क्या ये तेरी गर्लफ्रेंड है? स्कीम है सर, स्कीम। स्कीम? अरे चल निकल यहाँ से बदमाश। चल चलो डार्लिंग। सारे के सारे पागल हमें क्यों मिल जाते हैं? वैसे ही नाइट ड्यूटी के चक्कर में फंस गए हैं। अरे ओ भाई, रात की फ्लाइट में तूने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। कहीं ऐसा ना हो कि ड्रंक एंड ड्राइव में पुलिस हमें पकड़ ले। हैप्पी मंडे सर। एक मिनट। हैप्पी मंडे सर। ठीक है। ओके सर, आपको बहुत सारे लाइक मिलेंगे यूट्यूब पे। 402 वो हैप्पी संडे बोलकर इस तरफ गया था और हैप्पी मंडे बोलकर इस तरफ क्यों गया? उसका कहने का मतलब है कि दिन बदल गया और आप अभी तक ड्यूटी पर हैं। बाप रे, पागल, तुझे पता है उसने क्या किया? पागल, तुम्हें पता है उसने क्या किया? तुम लोग अभी तक नहीं समझे? नहीं सर। वो अपनी कार में पूरी तरह पी के आया। उसने चक्कर मार के हमारे चेक पोस्ट पे कार रोकी, ये सोचकर कि हम लोग उसे पकड़ लेंगे। उसने डिक्की से साइकिल निकाली और यहाँ से अकेले निकल गया। हाँ सर। फिर दोबारा वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी साइकिल पर बिठाकर इधर से आया। हाँ सर। उसने वो साइकिल वापस रखी डिग्गी में, फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गाड़ी में बैठ के दारू पीने लगा और हमें बाय बाय बोलकर यहाँ से चला।
गया। हम समझ नहीं पाए कि वो क्यों बार बार स्कीम स्कीम बोल रहा था। उसने साइकिल से इतना बड़ा कांड कर दिया। वाकी टाकी इधर दे लीजिए सर। हेलो ट्रैफिक CI कृष्णकांत हियर। सारे चेक पोस्ट को अच्छे से चेक करो। साइकिल वालों को भी जाने मत दो। डिग्गी में भी साइकिल हो सकती है, किसी को छोड़ना मत। ए, चलो निकलो। पुलिस है। ए, चल साइड में लगा। चलो साइड में लगा। बाप रे। सर। सर, गुड मॉर्निंग सर। उसे निकलने दो नहीं तो मर जाओगे। इसे ठीक रखो तभी जिंदा रहोगे। मैं ध्यान रखूंगा सर। उसे अंदर घुसाने से क्या होगा? तेरी तो। हेलो सर, मेरा नाम सतीश है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपसे मिलकर। हेलो। अच्छा वो ड्रंक एंड ड्राइव इडियट किधर है? आप इस समय जिससे हाथ मिला रहे हैं सर, ये वही इडियट है। आपको ये पहले बताना चाहिए था। अगला कौन है? बहुत लोग हैं सर। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। बाप रे, कम इन। नमस्ते सर। अरे तुम क्यों भाई, एक महीने में हर रोज पकड़े जा रहे हो तुम? ये कोई दवा है क्या जिसे रोज पिए जा रहे हो? शराब है क्या? तुमने कभी अपने बीवी और बच्चों के बारे में सोचा है? क्या पता तुम्हारी बीवी कितनी सारी मुश्किलों से गुजर रही हो, पता है? हेलो सर, वो इतनी अच्छी नहीं है, है? इधर देखो एक बार। ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। हाँ। पूरी फैमिली यही काम करती है क्या? तुम्हारे पास कुछ और काम नहीं है क्या? सर, आप मेरे बारे में या इसके बारे में कुछ भी बोले, लेकिन अगर आप हमारे काम के बारे में कहेंगे तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। हाँ। क्या तुम इतना अच्छा काम करते हो? हाँ सर, एकदम लेटेस्ट बिजनेस है, पद यात्रा। पद यात्रा कैसा बिजनेस है रे? हाँ सर, सुबह उठते ही हम टाइम पे ब्रश करते हैं। उसके बाद? उसके बाद क्या, हम लोग मैदान में चले जाते हैं झंडे के साथ, पीला झंडा, लाल झंडा, काला झंडा, सफेद झंडा और नीला झंडा। उसके बाद मैं और मेरी बीबी उसका पीछा करते हैं, हमें जो भी झंडे का ऑफर करता है। और क्या? और क्या सर, हमें सुबह नाश्ता पानी मिल जाता है, दोपहर में मक्खन के साथ बिरयानी, और रात में नॉन वेज विद क्वाटर, और उसके साथ 200 रुपया रोज मिल जाता है। हमसे बेटर तुम हो है? हाँ सर, हम लोगों को पार्टी की चिंता नहीं रहती। बेवकूफ नहीं है सर, प्रोफेशनल है। हाँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो हमारी पार्टी में आ सकते हैं। क्या सोच रहे हैं सर, चाहे बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी, कोई भी पार्टी हो हमें बुलाया जाता है सर। हमारे पास मिनिस्टर तक के भी नंबर है सर। पेट का सवाल है ना सर। राइटर सर, इनके सिग्नेचर लेकर के इन्हें छोड़ो। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। अरे पंडित जी, आप भी? मैं आपसे क्या बताऊं साहब, मैं एक वाइन शॉप की ओपनिंग में गया था, उन्होंने मुझे दक्षिणा की जगह एक शराब की बोतल थमा दी साहब, मैंने उसे गंगा जल समझ कर पी लिया। किस्मत, जाइए। सर सर, मुझे आपसे पर्सनल एक बात करनी है सर। मुझसे? हाँ सर। पर्सनल? हाँ सर। ये तुमने डिसाइड किया? हाँ सर। चलो। हाँ। कैसा रहा पर्सनल डिस्कशन? अच्छा नहीं था सर, आज के बाद मैं कभी भी पर्सनल डिस्कशन नहीं करूंगा सर। गुड बॉय। फिर भी ये अच्छा नहीं है सर। क्यों? मैंने तो बैंकॉक में पिया था, आपने यहाँ पकड़ लिया। तुमने बैंकॉक में पी थी तो यहाँ ड्राइव नहीं करना चाहिए था। हमारी टेंशन के बारे में आपको क्या पता सर, हम तो 3 लोग हैं, आपके पास तो 30 लोग हैं सर। क्या है तुम्हारा टेंशन? वो मेरा दोस्त है सर, उसकी होने वाली बीबी कल शादी कर रही है सर। क्या? जब होने वाली बीबी की शादी कल होने वाली है तो तुम लोग बैंकॉक से पीकर शराब यहाँ आए हो? वो कौन है? उसकी गर्लफ्रेंड सर। क्या? ऐसा क्यों? बहुत लंबी कहानी है सर। इतनी बड़ी स्टोरी है? हाँ सर। स्टोरी पे डिस्कशन करते हैं, चलो। कुर्सी है, रेस्पेक्ट दे रहे हो? किसने किया ये? वन टाउन में एक केस था सर, इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपने पेट को अंदर करो और दिमाग को चलने दो। बैठ जाओ। बैठो, बताओ
क्या हुआ है? सर, इस संदीप ने मुझे कल अचानक कॉल किया और मुझसे कहा कि मैं मलेशिया आ रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ मेनी रूम्स? वी वांट 3 रूम्स। अरे यार, 3 रहने देना, 2 चाहिए। तुम दोनों के दोनों पागल हो, एक ही काफी रहेगा। hey, तुम लोग बकवास बंद करो। 2 रूम्स प्लीज। ओके सर। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं इसके साथ रूम में रहूंगा। अरे मुझे अकेले रहने में डर लगता है। तुम्हें पता नहीं है क्या, इसकी अभी तक शादी नहीं हुई। हेलो, शादी तो मेरी भी नहीं हुई है। निकलो। अरे बाप रे, ये बहुत खतरनाक लड़की है। बाप रे, हे भगवान, मेरे दोस्त को उस लड़की से बचाना, आप उसकी रक्षा करना। मैं अपने संस्कार मलेशिया में भी नहीं भूला, मुझे सबसे पहले पुल में नहा लेना चाहिए। वो कमरे में क्या कर रहा होगा? ये सब क्या है यार? वो लड़की कौन है? hey, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। आज मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके ऑफिस में सबमिट करने जा रहा हूँ। वापस आने के बाद तुझे सारी बात बताऊंगा। ऐसा नहीं है यार। hey, मैंने बोला ना, वापस आने के बाद सब कुछ बताऊंगा। तो बस उस लड़की का ध्यान रखना, समझ गया ना? लड़की का ध्यान रखना है। उसने कॉल किया है, उठाना चाहिए या नहीं? Come on यार, ये लिफ्ट कब आएगी? उठाऊं या नहीं, क्या करूं? Yes. Hello. तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं काम पर था जानू, इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। लेकिन तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? ओह अच्छा, अरे मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गई थी, इसलिए नहीं उठा पाई। अच्छा तो तुम फ्रेश हो गई, तो मुझे भी फ्रेश कर दो ना। ए प्लीज ना जानू, बस एक बार। ठीक है, एक काम करते हैं। मैं कैसे भी करके तुम्हें देख लूंगा। नहीं, देखूंगा ना, ये गलत है ना। मैं 5 मिनट में नीचे आऊंगा और लैपटॉप ऑन करके ऑनलाइन आ जाऊंगा, ठीक है ना? आई लव यू जानू। देखो ठीक है ना? अब क्या, देख लिया ना मुझे? अब इंडिया वापस आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उसने मुझसे कहा था कि जल्दी मलेशिया आ जाओ और मैं आ गया, और वो नालायक यहां लड़की लेकर आ गया। जब उससे पूछा तो बोला कि बाद में बताऊंगा। छी, उसने मुझे 3 घंटे में मलेशिया बुला लिया। हेलो, क्या है? ए पागल, कहां हो तुम ये बताओ? मैं अभी बेन सर्किल पे हूँ। क्या कहा, बेन सर्किल में हो तुम? छी, तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? मैडम ने बताया है कि तुम संदीप के साथ मलेशिया गए हुए हो।
क्या मैं तुम्हें मना करती अगर बता तुम क्या मना करोगी? मेरे पीछे तो नर्क तक आ जाओगी। ठीक है, मेरे लिए क्या लाओगे? मैं आ जाऊंगा। ठीक है। यहाँ पर एक बढ़िया लड़की है मूड बनाने के लिए। वो मलेशिया लेकर आ गया 3 घंटे में। अगले 3 महीने बाद उसकी शादी है। अगर वो किसी जाल में फंस गया तो, या वो दोनों मिलकर मुझे जाल में फंसा दे। अरे बाप रे, मुझे जल्दी से इस मामले को समझना पड़ेगा। हाँ? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? अच्छा तो टीवी की आवाज थी। आओ ना, आओ, आओ ना। मेरे पास क्यों नहीं आ रहे तुम? हाँ वो क्या है? No, no, and no. इससे पहले कि मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूं, तुम मेरे सवालों का जवाब दो, ओके ना? लेकिन तुम्हारा सवाल आसान होना चाहिए। ओके, पॉलिटिक्स, गेम्स, मूवीज, चॉइस इज योर्स। मूवीज, मूवीज। डेली बेली के उस मोटे लड़के की तरह बन जाऊं जो अपने ही मालिक की फोटो खींचता है? बोलो। अरे बाप रे, नो। या फिर टाइटैनिक फिल्म की केट विंसलेट की तरह मैं न्यूड लेट जाऊं? क्या तुम भी मेरी पेंटिंग बनाओगे? हाँ? बाप रे, कौन है रे बदमाश? तुम कौन हो? हमारे घर के दरवाजे पर तुम्हारा पेड़। हमारे घर के दरवाजे पर तुम्हारा पेड़? हाँ, जब बार में विस्की, रम, ब्रांडी, चिन, वोडका और 70 अलग वैरायटी के बियर चलते थे, तब मैंने 7 मिलियन हर साल टैक्स भरा था गवर्नमेंट को, और मैं हर रोज 2 लाख का बिजनेस करता हूँ मेरे काउंटर पर। आपने मेरे उस काउंटर को खराब कर दिया। आपने मेरे उस काउंटर को खराब क्यों किया, बोलो? क्या मैंने खराब कर दिया बेवकूफ? तुम्हें पता है कि इस समय तुम किससे बात कर रहे हो? मुझे तुम्हारे बारे में जानने की क्या जरूरत है? तुम क्या कोई नाटक कर रहे हो? मेरे काउंटर पर अपना काउंटर खोल दिया। अरे वो क्या कहते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव। वही ड्रिंक एंड ड्राइव। और मेरे काउंटर पर बैठकर तुम केस लिखोगे? मेरा बिजनेस तो मिट्टी में मिल गया। मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, समझे? अब अगर मेरा दिमाग सटक गया ना, तुम ऐसे ही मेरे बार पर अपना काउंटर चलाते रहोगे तो मैं क्या करूंगा, मैं तुमको बता दूं। ए, इसे बाहर निकालो। अंकल, प्रेशर की वजह से बेहोश हो गए, हॉस्पिटल ले जाइए नहीं तो मर जाएंगे। ए, ये सब नाटक है, तुम इसके बारे में नहीं जानते हो। सर, मेरे अंकल का भी यही हाल है। मेरी बहन एक डॉक्टर है, इन्हें अभी हॉस्पिटल भिजवा दीजिए सर, प्लीज सर। सर प्लीज, सर प्लीज, मर जाएंगे सर ये। हाँ। हाँ। हाँ? एम्बुलेंस। बहुत अच्छे, एक इंसान को पुलिस स्टेशन में जिंदगी मिल गई तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की दाद देता हूँ। ठीक है, चलो अब आगे की कहानी पूरी करो। जब हम पहली बार कॉलेज में मिले थे, वो दिन तुम्हें याद है? उसके बारे में सोच के मैं हंसता रहता हूँ, और मुझे नहीं पता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा। हाय। हेलो। अब हम चलते चलते बात करें क्या?
ओके। एक्चुअली मेरी बहन ने तुमसे मिलने को कहा, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मतलब तुम खुद नहीं आना चाहते थे क्या? अरे बापे, टू बी फ्रैंक, मैं भी यहाँ आना चाहता था, बस बोल नहीं पा रहा था। तो अब तुमने देख लिया? ओके, हाउ आई एम लुकिंग? मैं कैसा दिख रहा हूँ? मैंने तुम्हें कार से आते हुए देखा। ओके हो, जस्ट एवरेज। बाप रे, एवरेज हाँ? ठीक है, तुम्हारे पास मेरा नंबर है ना, मुझे कॉल करना, ठीक है? बाय। ओके बाय। वो बिना कुछ बोले क्यों चला गया? कहीं उसे एवरेज कहा ये बुरा तो नहीं लग गया? तुमने मुझे एवरेज कहा? अभी बताता हूँ। हाँ, संदीप, हेलो। सच कहूँ तो मैं तुम्हारे सामने बोलने में शर्मा रहा था। और वो क्या? मुझे एक्स्ट्रा लार्ज पसंद है, तो फिर ठीक है, ओके। हाँ, कट कर दिया उसने। कुछ ज्यादा ही बोल दिया क्या? इसका तो फोन आ रहा है। हेलो। मुझे भी तुम्हारे जैसे बनी लड़के बहुत पसंद है। हेलो, हे हे, बनी लड़के, मुझे चैतो को फोन करना चाहिए। हेलो। हेलो चैतू, मैंने देखा, लेकिन वो कह रही है कि उसे बनी लड़के पसंद है। ये बनी का मतलब क्या होता है? क्या उसने तुम्हें बहुत बढ़िया कहा? ए, जो समझ में आए वो बताना यार। तो तुमने उसे क्या कहा था? पबली जैसी दिख रही थी, मैंने कहा एक्स्ट्रा लार्ज पसंद है। तब तो उसने एकदम करेक्ट काउंटर दिया। अबे चैतू, इसका मतलब बताना यार। कुछ नहीं यार, जैसे बच्चों वाले कार्टून में खरगोश के दो दांत आगे निकले होते हैं ना, अरे जैसे कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, और वैसे ही। क्या तूने कभी कार्टून देखा नहीं क्या? अब तो तुझे समझ में आया ना कि बनी आखिर में बनी 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 कहकर चिढ़ाते रहते हैं। हाँ? मैंने ये एक टीवी इंटरव्यू में देखा था, यही मैटर है, इसलिए वो तुझे बनी कहकर चिढ़ा रही थी। बनी 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 बनी। मुझे लिफ्ट चाहिए इसलिए कॉल किया। ये बाइक कैसी है? इसमें प्रॉब्लम क्या है यार, किराए पे मिल रही थी इसलिए मैंने ले लिया इसे। चलना राउंड मार के आते हैं ना। बढ़िया राइड। तुम मजे से राइड करो, और वो मेरे साथ खेल खेल रही है। तुम्हें पता है मेरे साथ वो बहुत बड़े बड़े खेल खेल रही है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, और फिर लास्ट में मुझे लात मार कर भाग गई। संध्या कहाँ गई? मुझे क्या पता, मुझे लगता है मेरे साथ खेल के उसे मजा नहीं आया, इसलिए किसी और के साथ चली गई। अब उसके साथ वॉलीबॉल, फुटबॉल और कई गेम खेलेगी वो। तूने उससे कहा नहीं कि वो मेरा इंतजार करे? मैंने उसे कहा था, लेकिन जानते हो क्या बोली? तुम कौन होते हो मुझे बोलने रोकने वाले? उसने मुझे मुंह बंद करने के लिए कहा और बाहर चली गई पीने के लिए। अरे, तूने खाना खाया या नहीं? दबा के मुंह बंद कर और चुपचाप बैठ गए। तुम्हारे लिए बोझ है वो रहा। चलो मेरे पीछे आ जाओ, यहाँ तो हर जगह बार है, कहाँ है वो पता नहीं। अबे यहाँ खड़ा क्यों है? जाके वहां पूछना, जाना कदा कहीं का। हाँ ठीक है। क्या मैं उससे पूछूं या नहीं? नहीं। अरे यार, हम उसे कहाँ ढूंढे? तूने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा? हाँ, धूप में मेरा टकला जल रहा है, ला टोपी दे, देना। अब हम क्या करें यार? यहीं कहीं होगी, तू टेंशन मत ले, समझा, मिल जाएगी वो। वो बहुत सियानी लड़की है, वो पक्का किसी के साथ पीकर सो रही होगी। कर और चल, 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 चल। आजा। देख वो रही, चल, वो देख, उसके पास चलते देख, देख कैसे पी रही चलना, है उसके पास चलते हैं ना यार, चल पहले। अरे हाय डार्लिंग, मुझे दिखा। हेलो, दिखा दिखा। क्या कर रहे हैं सर? कॉफी पी रहा हूँ। मेरा कैमरा मैन एंगल सेट कर रहा है।
तुम कॉफी पीते रहो, तुम्हें पता है कोई मेरा पीछा कर रहा है? क्या तुम्हें? हाँ है ना, तुम्हें सिर्फ मुझसे मिलना पसंद नहीं है, बात करना पसंद नहीं है। तुम एक्स्ट्रा लार्ज हो ना, इसीलिए फॉलो कर रहा होगा तुम्हें। तुमने मुझे अभी तक दिखाया क्यों नहीं? दिखाने के लिए बोल रहा है ना, चलो उसे दिखा दे। हाँ ऐसे कैसे दिखा दूँ शादी से पहले? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, दिखा देना, दिखा दे। तुम दिखाओगी क्या? तुम दिखा दोगी क्या? तैयार हूँ। तुम तैयारी हो ना? सच कहूँ तो तुम्हारे अंदर जरा भी अक्ल नहीं है। अरे रुक जाओ यार। He's mine, okay? ए, छोड़ा मुझे, मैं आज कहीं नहीं जाऊंगा। कौन है ये? ड्रंक एंड ड्राइव का केस है सर। अरे ये तो अनुष्का जैसी है। रात में ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा था सर। नमस्ते सर। नमस्ते। वो जो कहावत है, वृक्षों की रक्षा करें। छी, वृक्षो रक्षति रक्षिता। हाँ बिल्कुल सही। हाँ उन्होंने बोला पेड़ लगाओ, और जब मैंने लगाया तो ये मुझे यहाँ पकड़ के ले आए। वो तुम्हें पेड़ लगाने के लिए यहाँ क्यों लाएगा? मुझे क्या पता कि वो गांजे का पेड़ था। रात में बार, वाइन शॉप, बियर शॉप, बेल शॉप सब खुले रहते हैं, और जब हम वहाँ जाते हैं पीते हैं तो आप हमें यहाँ ले आते हैं। हम लोग तो सरकार को जिंदगी देने के लिए पीते हैं ना? तुम जब ड्रंक एंड ड्राइव करोगे तो पब्लिक जिंदा रहेगी। साहब सही लॉजिक दे रहे हैं, यहाँ तो खुला हुआ है। बंद करो। मैंने बंद कर ली मुंह, अब कैसे बात करूं? अरे तुम्हारे लिए नहीं था। ये तो सेंसर ऑफिसर है ना? ये क्या है? मैंने लिमका और जिन मिलाया है इसमें। तुम इसे मिक्स करके नहीं पी सकते? तो फिर कैसे पीना चाहिए? जो भी चीज तुम शराब में मिक्स करके पियोगे वैसे ही हम तुम्हें तुम्हें मारते रहेंगे। मैं अगर पीऊंगा तो दूध पीऊंगा, इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, मुंह से लगा लेता हूँ। सुनो सर, इसे ले जाकर फ्रिज में रख दो। ओके सर। आप पियेंगे? चुप कर, ये तुम्हारे पास नहीं रह सकती है। सुनो इसे फ्रिज में जाकर रखो और इसे झील के अंदर बंद करो। नहीं चलो। बोलो। अरे खेलने चलते हैं, तुम मेरे साथ खेलो। अरे रुको रुको, मुझे भी चाहिए। हे उठो ना। बहुत अच्छा। कैसी है आप? हाँ तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हे चलो 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 इधर आओ। रुक जाओ ना बाबा। मैंने शहर में दो दो सबसे अच्छी जगह जमीन खरीदी है। मेरे पास दो BMW कार भी है। मेरे पास 20 करोड़ बैंक बैलेंस भी है। इन सब के अलावा मेरे पास एक बहुत अच्छी फिजिक भी है और सबसे खूबसूरत भी हूँ। अब तुम्हें और क्या चाहिए? तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन एक चीज नहीं है। हाँ? औरत की क्वालिटी। कितनी अच्छी लग रही है ना? शादी के बाद हमें याद रखोगी ना? सुंदर लग रही है। बोलो। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। है ना? हाय। ये श्रीराम बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है मेरे लिए। चलो इन दोनों को ही शादी करने दो। चलिए आंटी चलते हैं। चलो। तुम्हारा मलेशिया जाना इतना जरूरी है क्या? ऑफिस का काम है, जाना जरूरी है। ऐसा कैसा जरूरी काम? तुम्हें पता है ना मुझे पसंद नहीं तुम्हारा जाना। तो फिर क्या करूं? मत जाओ। नहीं जाऊं?
नहीं मत जाओ प्लीज। बताओ ना क्या करूं। उसे गए हुए आधे घंटे हो गए। सच में? क्या है? बोला। कहाँ है? ऑन द वे हूँ। ठीक है, अभी मैं होटल के पब में हूँ, वहीं आ जा। हाँ आ रहा हूँ। हाँ, मेरी जिंदगी की तो बैंड बाजा बराती हो गई है। अरे सुनो, एक वोडका लेकर आओ यहाँ। तो तुम यहाँ पर हो? ये तो स्टार पी रही है। वो भी पीती है। लाइटर दे, ए देना। सिगरेट भी पीती है वो। यार ये इसके पीछे क्यों पागल है? क्यों भाई, मजे ले रहा है? हाँ? ए, अभी तो यहाँ से जा, चल। तू भी ना। हेलो, तुम यहीं पर बैठकर सिगरेट खींचो, सिगरेट, समझी? ओके मोटे। चला। आ, बता क्या हुआ? ये कौन है यार, क्या बला है ये? दारू सिगरेट दोनों पीती है। तुम्हारी 3 दिन में शादी है, याद है तुम्हें? हाँ कूल भाई कूल, ये बार है, होटल में जाके बात करेंगे ना, तू एंजॉय कर यार। मेरी किस्मत ही फूटी है यार। Come on. बैठो, भाई को वोट का लार्ज। तुम मेरे साथ चलो, ये कंफ्यूजन में है। ओके okay, डार्लिंग। तुम्हारे होठ पे ये कैसा निशान है और तुम्हारे गाल पे क्या है? हाँ ये तो ठंडा भी नहीं है, क्या मंगाया है तुमने? मेरा खून पी लो तुम। अभी उसके लिए टाइम नहीं है। चुड़ैल का टाइम नहीं है। अभी अभी तुमने क्या कहा मुझसे? तुम मुझे डांट रहे थे ना? नहीं डांट नहीं रहा था, प्यार कर रहा था तुम्हें। तुमने तो बोला था ये ठंडा नहीं है, फिर क्यों पी रही हो? पिकअप के लिए। पिकअप के लिए? ये बेकार है, तुम आओ ना डार्लिंग। ओके डार्लिंग। अब मुझे समझ में आया, ये पागल शादी से पहले मलेशिया अपने गर्लफ्रेंड के साथ मजे के लिए आया है। हाँ, इसने मुझे बीच में इसलिए फंसाया है ताकि बहन को पता ना चले, यही बात है। हेलो भाई। कैसा भाई? कोई भाई नहीं, भाई क्या तेल लेने? मुझे लगता है तू अभी भी कंफ्यूज है। चल होटल में चल के समझा। हाँ चलो। अबे चल ना यार। ये कौन है? लेजेंड। और मैं हूँ लेजेंड का फादर। सर इलेक्शन कैंपेन में लोग पकड़े गए, इनके कार में बियर की बोतल थी सर। कहा? यस, देखो मैं इलेक्शन में जीतने वाला हूँ। फिर तुम मुझे सल्यूट करना। मैं तुम्हें साफ साफ कह रहा हूँ, ये देशद्रोह के खिलाफ है। तब ये खुले हुए मुंह बंद क्यों थे जब ये शराब घर में बांटी जा रही थी? क्या तुम पीकर आए हो? सुनिए सीए साहब, मैंने कभी जिंदगी में शराब नहीं पी है, मैं पीता भी नहीं हूँ। ये मेरा बेवड़ों से चैलेंज है, मुझे अपोजिशन वाले फंसा रहे हैं। तुम्हें भी, ये संपू का बियर बकेट चैलेंज है। ओपन करो कैप्स। हेलो, अगर तुम पीना चाहते हो तो ये चैलेंज मत करना, अगर तुम पीना छोड़ना चाहते हो तो ये चैलेंज बिल्कुल करना।
शैम्पू 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 शैम्पू। अगर तुम ये चैलेंज करोगे तो इसका मतलब तुम पीना छोड़ रहे हो। इससे मेरी बहनों का भला हो जाएगा। गाड़ी रोक रोक, उधर देख। मैंने कहा था ना कि ये वहीं मिलेगी। अरे सुनो, पी के आ जाओ गाड़ी में, आ जाओ। आओ। वन मिनट। ये कार है या वो कार है? अब ये उस कार में क्यों बैठ रही है? ए, ए। मैं तुम्हें 10 से ज्यादा दूंगा, गाड़ी भगाओ। गो फास्ट, गो फास्ट, भगाओ। चलो बेबी, चलो एंजॉय करो। अरे कहाँ जा रही है? अरे अरे कहाँ जा रही है? अरे अरे जान है बिल्कुल। भागो पुलिस आ गई, चलो। मलेशिया निकलने से पहले मैंने शाम को होटल में एक बैचलर पार्टी की तैयारी की है, तो वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, एक मिनट रुकना। हाँ बोलो। हाँ मैं आ जाऊंगा। अरे हाँ सुनो ना, हाँ तू पहले ओपन कर। कम ऑन। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। हेलो। हेलो। हाय। हाय। आई एम संध्या। ओ। क्या हम दोनों साथ में मलेशिया जा सकते हैं? ओ तो तुम मेरे साथ चलोगी मलेशिया? ये वहाँ चले गए? हाँ, क्योंकि मेरी भी सेम फ्लाइट है। अच्छा, बात करो। चलो मेरे साथ। चलो। चल। क्यों? मैं बात कर रही थी ना। क्या हुआ? सेंस नहीं है क्या? अरे यार। बैठो। हे साथ में चले क्या? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। हमें साथ ही जाना चाहिए। चलोगे ना? तो तुझे समझ में नहीं आता क्या? क्या किया? अरे चलो। ए अगर कोई आ गया तो उसे मार चला दूंगा। मार दूंगा उसे मैं। चलो चलो चलो। कितने बार समझाया, बात मत कर बात मत कर, लेकिन ए Hey, hello miss, hello, hey, are you okay? I'm okay. मुझे अपने साथ मलेशिया ले चलो, please, please ले चलो, please. अब चलो आराम से।
हे मोटू, क्या कर रहा है? हमें इंडिया निकलना है तुरंत अभी। क्या कहा? इंडिया जाना है? अचानक क्यों ऐसे? जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, तुम्हें भी इंडिया चलना है, समझ गए ना? सुनो, मैंने ये सब सिर्फ अपने लिए नहीं किया, कोई और भी इसमें शामिल था। क्या? कोई और लड़का? एक और लड़का? हाँ, एक और लड़का। हाँ, एक और लड़का। कोई और लड़का? मैं अपने रिजल्ट्स के लिए इंटरनेट कैफे गई थी, पर मेरी किस्मत खराब थी कि वो बॉबी का कैफे था। अरे पागल, थ्रिल मतलब? थ्रिल क्या होता है मैं तुम्हें दिखाती हूँ। कितना हुआ? 60 रुपीज सर। मैंने एक्साइटमेंट में जो गलती कर दी थी उसने वो सब सीसी कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया। वो वहीं पर रुका नहीं, उसने मेरा पीछा किया मेरे घर तक। हमें पार्टी हाँ। के लिए जाना चाहिए। ओके। ए, हम इस घर में बहुत समय से रह रहे हैं, तुम्हें वही करना चाहिए जो वो कहती है। मैं वही कर रहा हूँ जो वो कह रही है मुझे। उसने शाम को अचानक फोन किया मुझे। हेलो, कौन? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, जहाँ मैं आने के लिए कहूँगा वहाँ पर आधे घंटे में आ जाना। क्या कहा, धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ, चुप कर, तुम आ रही हो कि नहीं? तुम आओगी, समझी? कूल बेबी कूल। अगर मैं तुम्हारी रोमांटिक फिल्म यूट्यूब पर रिलीज कर दूं तो तुम काफी फेमस हो जाओगी, समझ रही हो ना? बोलो, अपलोड कर दूं क्या? चुपचाप आ जाओ। मैं परेशान हो गई थी, मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए, किससे बोलना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं वहां जाऊंगी और उससे मिलूंगी। वो मुझे एक रिमोट वाले खिलौने की तरह समझने लगा और मेरे साथ खेलने लगा। क्यों बुलाया तुमने मुझे? हाँ, क्या तुम नहीं जानती हो कि मैंने तुम्हें कॉल कर यहाँ पर क्यों बुलाया है? ब्लैकमेल? हाँ, ब्लैकमेल कर रहे हो? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? हे, मुझे ना तुम चाहिए और ना तुम्हारे पैसे। मुझे जो चाहिए वो है मेरी सीडी और मेरा एटीएम कार्ड। सुनो, मैं किसी का इस्तेमाल किया हुआ टिश्यू पेपर यूज नहीं करता। अब तुम्हें उस लड़के के साथ रोमांस करना है जिससे मैं कहूंगा। मुझे उसका वीडियो और एमएमएस चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें कभी ब्लैकमेल नहीं करूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो तुम्हारी वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। और फिर ये सब उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया और तुम्हें ब्लैकमेल किया, ठीक है, लेकिन वो तुम्हें हम पर क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। बचपन का दोस्त? पूजा, 5th rank। थैंक यू टीचर। यशवंत, 3rd rank। थैंक यू टीचर। बॉबी, 2nd rank।
थैंक यू टीचर। थैंक यू टीचर। एंड संदीप फर्स्ट रैंक। तेरा चाइल्डहुड फ्रेंड बॉबी, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुझे फर्स्ट रैंक मिला। हे बॉबी, क्या हुआ बताना। हाँ टाटा। अरे क्लास के बीच में तूने बेल क्यों बजा दी? क्यों किया ऐसा? हाँ, बजाई तो क्या करेगा तू? हाँ अच्छा, मारेगा तो मुझे मारेगा। मारना, हाथ लगा के दिखा। तुझे तो मैं मारूंगा। मुझे मारेगा। हाँ तू मुझे मारेगा। तूने मेरी रैंक चुराई। मैं भी नहीं छोड़ूंगा तुझे। तू मेरे ऊपर हाथ उठाएगा? हाँ नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। हाँ You want to pull hookah? फ्रेंड्स के साथ चैट कर रही थी, लेमोनेड भी लिया। मैं कॉफी भी पी सकती थी पर मुझे ये सब पसंद नहीं। I hate it. क्लब में डिस्को में जाती हूँ, डांस भी करती हूँ, लेकिन मैं शराब नहीं पीती, मुझे पसंद नहीं है। बॉयफ्रेंड तो ठीक है लेकिन मैं उन्हें डेट नहीं करती हूँ। मुझे टच करने वाला सिर्फ मेरा पति होगा। ओके चलो चलते हैं। ओके वो लड़का तुम्हें देख रहा है, वो भी बहुत देर से। वहां देखो, वो भी दिया जला के बैठा हुआ है। इस शहर को हो क्या गया है? बस हर जगह धुआं ही धुआं है, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? डियर फ्रेंड्स, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इंजूरियस टू हेल्थ। हुक्का हो, सिगरेट हो या जर्दा हो, ये सब तुम्हारे शरीर को पूरी तरह से खराब कर देती है। सिर्फ एक दिन के लिए जो तुम लोग इस पर पैसे खर्च करते हो, वो उन्हें दो जो विजाग साइक्लोन में अपना सब कुछ खो दिया। कम से कम इंसानियत दिखाओ, जिन लोगों को जरूरत है उनकी मदद करो। फ्रेंड्स, लोगों को मदद की जरूरत है। थैंक यू गाइस।
तुमने मुझे मंदिर कहा था, यहाँ क्यों ले आए? ये मेरा स्कूल है, मेरा मंदिर। ये जो आश्रम है, इसने मुझे बिल्कुल मेरी माँ की तरह प्यार दिया है। मुझे यहाँ पे किसी ने लाकर छोड़ दिया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ, उसका कारण ये आश्रम। बनी भैया आ गए, मेरे बाबू भैया आ गए। बनी भैया आ गए। अरे चिंटू, कैसे हो तुम? भैया सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? ये लीजिए। थैंक यू सर। सर, अगर आप अपने सारे पैसे यहाँ आश्रम में दान देंगे तो आपके खर्चों का क्या होगा? वाओ। देखिए माँ जी, इतिहास में औरंगजेब एक बहुत बड़ा राजा था। उस राजा ने टोपी बनाई और अपने खर्चे के लिए उसे बेचना शुरू किया। मैं इस आश्रम का कर्ज कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। इस आश्रम ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी सैलरी इन अनाथों को दे दूं और ओवर टाइम से अपना खर्चा। इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल करिएगा। प्रिया, मुझे बहुत समय से तुम्हें कुछ कहना था। क्या? आई लव यू। शादी करनी है तुमसे, अगर तुम हाँ कहो तो। मेरे पास तुम्हें ना कहने का कोई रीजन नहीं है, लेकिन मेरी सगाई हो चुकी है। वो बहुत लकी इंसान है। ये मेरा मंगेतर है। उसका पागलपन बहुत बढ़ गया, उसका पूरा दिमाग हिल गया था। खाना है? तेरी तो निकल यहां से। हे संदीप, सब कुछ समझ में आ गया मुझे। चलो खेल खत्म करते हैं। क्या खत्म करोगे तुम? वो ऑलरेडी तुम्हारे खिलाफ किडनैपिंग केस दर्ज कर चुका है। सर, कंप्लेन है सर। हाँ बोलिए। मेरी बेटी एक पार्टी में गई थी, 2 दिन से वो वापस नहीं आई है। अच्छा, वो पब गई थी क्या? वापस आ जाएगी। हो सकता है वो किसी के साथ कहीं चली गई हो, कल तक घर वापस आ जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है सर। मैं फोन करता हूँ तो इंटरनेशनल रोमिंग की आवाज़ आती है। मैं बहुत चिंता में हूँ सर। इंटरनेशनल रोमिंग? क्या आपको किसी पे शक है? What? वो तुम्हारी मंगेतर से शादी करना चाहता है और चाहता है कि तुम्हें तब तक रोक के रखे जब तक वो शादी न कर ले। संदीप आज शाम अपने दोस्तों को बैचलर पार्टी दे रहा है। तुम उस लड़की के साथ वहां पर जाओ, जैसा कहूं वैसा करना। वो लड़की कौन है, उसकी सारी डिटेल्स मुझे सेंड करना। अब उसे जाके फॉलो करो। सिर्फ इतना ही नहीं है, उसने और भी बहुत सारा काम किया है। मैडम, बॉबी साहब आए हैं। अच्छा, तुमने उनको बिठाया? हाँ। कैसी हो दीदी? मैं ठीक हूँ बॉबी, तुम कैसे हो? मुझसे कुछ काम है क्या? दीदी, मुझे कुछ दिखाना है आपको। हाँ? छी, ये तो अपना संदीप है, और ये मोटा वहां क्या कर रहा है? इसीलिए मेरा फोन नहीं उठाया था। हाँ मैडम, उन्होंने तो तब भी फोन नहीं उठाया था जब क्लिनिक में पुलिस आई थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा सुनो, क्या तुमने वसुंधरा को बुलाया? चलो अच्छा है, आज तो तुम बहुत अच्छा खूबसूरत लग रही हो। दिनों बाद मिलेंगे हम। अच्छा, वैसे तुम बहुत लकी हो। हेलो आंटी। क्या हुआ बेटा? हेलो अंकल। हाय। इस खुशी के मौके पर आपके लिए एक बुरी खबर है। हाँ, बुरी खबर? क्या हुआ बेटा? कोई किसी लड़की को धोखा देता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या बात कर रहे हो, साफ साफ बताते क्यों नहीं, आखिर हुआ क्या है? ये मैं आपसे नहीं बोल सकता अंकल, आप खुद ही देख लीजिए। ये देखिए। तुम भी जरा देखो इसे। फ्रेंड के नाम पे इतना बड़ा धोखा। एक या दो नहीं, बहुत सारे हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। हमें एक काउंटर बाजी चलनी पड़ेगी। चलो वहां चलते हैं, उसके बाद खेल खेलते हैं। चलो। सर,
सच कहूं तो वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था सर। हमने साथ में पढ़ाई की, ना जाने क्यों उसे मुझसे दिक्कत रहती थी। मैंने उससे कभी कोई शिकायत भी नहीं की। सर उसने जीतने के लिए जो रास्ता अपनाया है वो गलत है सर। सर सच कहूं तो हमें उसे सही रास्ते पे लाना होगा सर। उस लड़की को देखिए सर, इसके साथ वो कैसे खेल रहा है सर। घिन आती है मुझे। वो उस लड़की से प्यार कर रहा है जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। उसने मेरी बहन को उल्लू बनाया है सर। मेरे मलेशिया में आने के बाद सब कुछ बिगाड़ दिया उसने मेरा। सर मेरी लाइफ मेरे हाथ में होनी चाहिए सर, लेकिन उसके हाथ में चली गई है सर। और ये मोटा आदमी मलेशिया में हम दोनों के रिश्तों पर शक कर रहा है और अलग अलग तरीके से सोच रहा है सर। जिंदगी खराब कर दी है मेरी। मैं परेशान हो गया हूँ सर। मेरा क्लोज फ्रेंड ही मेरे बारे में ऐसी प्लानिंग करेगा, मैं तो शॉक दूं सर। सच कह रहा हूँ, मैं दिमाग खराब हो गया मेरा सर। अभी ये किडनैपिंग केस, पुलिस फोन कॉल्स, ए भगवान, अगर पी के गाड़ी नहीं चलाता तो शायद मैं कभी पकड़ा ही नहीं जाता सर, और ना ही आपके सामने आ पाता मैं। मेरी हालत के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है सर। सर आपको देखने के बाद मेरे अंदर एक उम्मीद जागी है सर। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ सर, आप कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। गोपाल। यस सर। जाओ और उस बॉबी के बारे में सब कुछ पता लगाओ, जाओ। यस सर। हाँ तो जो तुम कहना चाहते थे वो कहो, हम सुनना चाहेंगे। सर सच कहूँ तो हमें उसे सही रास्ते पे लाना होगा सर। वो एक फेमस बुकी है सर, वो क्रिकेट बैटिंग वगैरह भी करता है सर। क्रिकेट बैटिंग? हाँ। चलो उसे मैं दिखाता हूँ अपनी बैटिंग कैसी है। कहते हैं खेल में अगर कोई चीटिंग करे तो वो गलत है। अब तुम्हें चीटिंग करनी होगी इस खेल को खत्म करने में। ध्यान रखना तुम अभी गेम में बने हो, तुम्हारा गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, समझे? ओके सर। देखो अब इस किडनैपिंग केस में मैं पूरा ध्यान रखूंगा। थैंक यू सर। तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो जाओ और जाकर अपनी लवर को कन्विंस करो। एक बार मैं बाहर आता हूँ ना, इतिहास चालू हो जाता है। राजनेताओं का पब्लिक पर क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में मुझे तो नहीं पता, लेकिन उनके डायलॉग का प्रभाव तो बहुत पड़ा है। सभी देश के नेता झूठे वादे करते हैं पब्लिक को लूटने के लिए, इसलिए अब खुद तय करिए। तो तुम खुद तय कर लो कि अपना वोट किसे देना है, यही लास्ट टाइम है। लेकिन अगर आप मुझे वोट देंगे तो आपको बहुत बढ़िया किक मिलेगी। मुझे नहीं पता, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाई, बस हो गया। क्या कर सकते हैं। अरे मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। देखो सच जाने बगैर कोई भी डिसीजन मत लो। चुप रहो, मुझे सब पता है। स्प्रिया, तुम घबराई थी जब तुमने मुझे जाने को कहा। तो क्या करूं, तुम्हें हाय हेलो कह के तुम्हें हग करूं क्या, यही चाहते हो ना? अच्छा ये बताओ, कोई डॉग किसी को क्यों काटता है, बताओ? कुछ नया सोचो, समझे? अच्छा ऐसा हुआ। चलो तुम्हारी दीदी के पास चलते हैं। दीदी आओ बैठो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। दीदी जो कुछ भी हुआ मैं आपको सब कुछ साफ साफ बताता हूँ। तुम कुछ मत बोलो, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। ये उस प्रॉपर्टी के पेपर हैं जो माँ पापा ने हमें दिए थे, इनकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। दीदी मुझे लगा था कि तुम जिम्मेदार बन रहे हो, लेकिन शादी से पहले ही हनीमून, छी मुझे तो बोलते हुए शर्म आ रही है। नहीं दीदी, जब तुम्हारी शादी पहले से फिक्स हो गई थी, फिर किसी और लड़की के साथ तुम क्यों गए थे?
पुलिस घर तक आ गई थी। बहुत गलत है ये। ऐसा नहीं है दीदी, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे, सब पता है। प्यार से ज्यादा लगाव बड़ा होता है। तुम्हारे भाई ने कुछ भी गलत नहीं किया। जो मैंने देखा उसका क्या? वो सब चीटिंग थी। ये एक खेल है जो इसके फ्रेंड बॉबी ने खेला है। आज की जनरेशन ऐसी ही है, नाटक करेंगे कि हम आपके साथ हैं और पीठ के पीछे छुरा घोपेंगे। बेटर ऑप्शन, बेटर ऑप्शन, बेटर ऑप्शन के नाम पर कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। बॉबी ने इसे धोखा दिया है, उसने लड़कियों को ब्लैकमेल किया, पैसों के लिए ब्लैकमेल किया, उसने पैसों के लिए ब्लैकमेल किया और क्रिकेट बैटिंग उसके साथ। अब उसकी नजर उस प्रिया पर है, वो उससे शादी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब क्या करना है? अरे मैरिज कब है बताओ? मैच तो दो को है। मैच तो 2 तारीख को है, पर आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। लगता है तैयार होकर शादी में जा रहे हैं। वो सब छोड़ो, मैच देखते हैं, चलो आओ। शादी 2 तारीख की रात में है। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ओके, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बाबू, आनंद बाबू, तुम इनका ध्यान रखो। हाँ, तुम जाओ, मैं पैसे भर दूंगा। सर, खेल शुरू हो गया सर। अरे सर, हम लोग देखेंगे नहीं बल्कि हम लोग भी खेलेंगे, मैंने ऐसा सोचा था। ये कैसे हो सकता सर, हम वहाँ कैसे जाएंगे? सर वहाँ जाके क्या करेंगे, यहीं पे खेलिए ना। वैसे भी आपकी भविष्यवाणी हमेशा सही होती है। ये क्या है, चापलूसी कर रहा है क्या? नहीं नहीं सर, चापलूसी वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ। पैसे नहीं है इसलिए जनरेटर डाउन है, लाइट ही नहीं है यहाँ पे। सर सिर्फ एक गेम खेलिए ना। अरे सर, पहली बैटिंग ठीक रहेगी ना? आप जो बोले वो ठीक है सर, गुरु है आप तो। मेरा खाना पीना सब हो गया, अब आप क्या करेंगे सर? वैसे अभी आप क्या करने जा रहे हैं सर? We are in Bengaluru. हाँ समझ गया, ये पक्का चौका ही है ना? अरे भाई ये तो चौका ही है, आनंद सर। ऑलरेडी हम उसे वो खेल खिला रहे हैं जो पहले ही खत्म हो चुका है। ब्लूटूथ से ध्यान से पीछा करो उसका। तुम वो सब करना जो मैं तुमसे कहूंगा। सर मेरी तरफ से 10,000 रुपया लगाइए ना कि वो 10 ओवर में 80 रन बनाएंगे, मैं आपको वापस कर दूंगा। हाँ सर। अरे बॉबी। बोलिए सर। एक 10,000 रुपया लगा दे। ओके सर। अरे अगर हम पैसे हार गए तो क्या होगा? आप चिंता मत कीजिए सर, आज के मैच में वो बहुत मारने वाला है, आप खुद देखिए कैसा मार रहा है। वो चौका पे चौका मारे जा रहा है, देखिए ना सर, गैप में मार रहा है, छक्का भी मारा। ये सिक्स है सर। अरे बाबा क्या छक्का मारा है, हमें तो पार्टी करनी चाहिए सर। प्लग प्लग। अरे सर प्लग 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 सर प्लग प्लग। अरे बेवकूफ। अच्छा वो प्लग बोल रहा है, सही समझे सर। वो इस ओवर में अपना 100 पूरा कर लेगा। 1 लाख लगाइए सर। 1 लाख? आप टेंशन मत लीजिए सर, जब आप बोलेंगे तभी वो मारेगा, आप खुद ही देख लीजिए। अरे बॉबी। हाँ बोलिए सर। 1 लाख रुपया लगा दे। ठीक है। ओके। सर उसकी बैटिंग तो देखिए। Oh, it's gone. And it's gone far.
150 for Chris Gayle. 1,00,000 सर अब लखपति बन गया। 1 घंटा पहले तक भिखारी था, अब लखपति हो गया। अभी तक तूने कुछ नहीं देखा। सर आप ही 4 है, आप ही 6 है सर। यस आई एम 4, आई एम 6, आई एम बाउंड्री। या मैं तुम्हें क्रिकेट बायोस्कोप दिखाता हूँ। जस्ट वेट। अरे बॉबी। हाँ सर। फैंसी रेट क्या है? 22-23 फैंसी सर। ओके 50 लाख लगा दे। 50 लाख? यस। ओके सर लगाओ। सर सर तो जब भी आप देखते हो तभी वो चौका छक्का मारता है सर, आप चिंता मत कीजिए सर। हिट हिट रे कम ऑन। हिट हिट बूम। Has he got all of that? It's now the highest score ever. Yes, I am legendary. I am cricket. Cricket, I am. Yes. 3 for 5. Congratulations all round. Sir. Ray. Sir. Black के बाद कौन आने वाली है? Black के बाद कौन आने वाली है रे? बुला उसको, बुला। किसे सर? बुला। हेलो। हाय। देखा ना सर, आपने बुलाया और वो आ गई। वही रे। अरे 6 मारने पर जो डांस करती है ना वो लड़की यार। कौन सर? वो कौन है? वो कौन है रे जो ऐसे ऐसे डांस करती है ना? चीज गर्ल्स। चीज गर्ल्स नहीं रे, चीयर गर्ल्स। अरे उनको बुलाना। हेलो। अरे बॉबी। हाँ सर। कैश भेजना यार। जीतो या हारो स्पॉट सेटलमेंट चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहिए तो उसे 3-4 पेग्स और पिला दो, समझ गया ना? बैटिंग रेंज बढ़ जाएगी। बस इतना ही कि आप और देंगी? हाँ जीतने पर। Hey, this is money रे, क्रिकेट लेजेंडरी। Come on, have it ma'am. You got one more? Take this. Come on. तू भी लेना, मजे कर। ये ले, enjoy. Bobby. हाँ. Yes. Speaking. 1 crore भेज यार। 1 crore सर? 1 crore कैश भेज। ओके सर। Come on. Hit. That's going to be out, I reckon. Yeah, it is. Go. Got him. Good catch. That is a big one, but it's up in the air. Will it be taken? AB de Villiers under it. Takes it. Oh, it's up in the air. This will be taken. मैं जाती हूँ, यहाँ से निकलने में चल आई है। Hey! चलो भाग यहाँ से। चलो चलो यहाँ से निकल जाए। चलो तो मैं हूँ ना, थोड़ा सा डांस करें क्या? अरे बचना लो, मैं आ गया। मंडा मंडा तुम ना जाना मुझे चढ़ के मेरी जाने मन। आजा आजा मेरी बाहों में। अच्छा चल कोने में चलते हैं। सर बॉबी ने आपके साथ डबल गेम खेला है सर। सर आपने अभी का मैच नहीं खेला है सर, ये सुबह हो चुका है। ऑलरेडी खेले हुए मैच को उसने मेरे ऊपर चिपका दिया। अरे बॉबी मैं देखता हूँ तू शादी कैसे करता है रे। अब मैं उसे पाठ पढ़ाता हूँ। थैंक यू। ओके सर। स्टार्ट। अरे तूने मुझसे 1,00,000 उधार लिए? आगे मैं। तुम तो बहुत ग्रेट हो यार, एक दिन में 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 इतने पैसे कमा चुके हो तुम। लड़कियां कार सब तुम्हारे पास है, इन सब लोगों का क्या करोगे तुम? चलो मुझे 1,00,000 दो। क्यों, तुम अभी 1,00,000 की शराब पियोगे क्या? हाँ
अरे तुमसे क्या मतलब, मैं कुछ भी करूँ यार, तुमसे कोई, मैं थोड़े तुम्हारी जायदाद मांग रहा हूँ। चलो 1 लाख दो मुझे, दो। ए, तुझे खींच के भी 1 मारूंगा, जल्दी चल गाड़ी में बैठ। भाई तुम बहुत अच्छे हो, भगवान तुम्हारा बहुत भला करेंगे, दे तू मुझे 1 लाख, दो ना भाई। तुम कार के अंदर आ रहे हो कि नहीं? नहीं मैं नहीं आऊंगा। फिर तुम भाड़ में जाओ बेवकूफ। मुझे छोड़ के जा रहे हो ना, एक दिन ऐसा हश्र करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे मुझे। हाँ हीरो बनता है, बताता हूँ। ए बॉबी के शिकारी हो तुम लोग, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूँ, आज उसकी शादी है, अब ये तुम लोगों के ऊपर है, तुम लोग क्या प्लान बनाओगे उसे रोकने का। और याद रखना, ये हमारा आखिरी मौका है, उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना? हाँ, कहाँ है वो? अरे बॉबी, तू कहाँ छुपा बैठा है? तेरी शादी मैं अब करवाता हूँ। अरे बॉबी, बॉबी कहाँ है? बॉबी कहाँ है बताओ? अरे मोटे इधर आ, बॉबी को पूछ रहा हूँ तो तू बीच में क्यों आ रहा है? अरे कहाँ है बॉबी? ए गोरी लड़की, तू यहाँ भी आ गई? Who are you? क्यों रे, तू मुझे नहीं जानती क्या? हा? जब मैंने देखा तो 4, मैंने देखा तो 6। ये क्या बोल रहे हो? चल भाग यहाँ से, भाग। क्यों रे, मेरी बगल में बैठकर मेरे साथ डांस कर करके रोमांस कर रही थी? Who are you? कहाँ है वो पागल, कहाँ है? अरे बॉबी, ए तू चल हट पे। रे मुझे धोखा देगा, इतना बड़ा आदमी हो गया है तू। रे मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, रे मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। अरे मेरी बीवी ने इतनी मुश्किल से मेरा शराब पीना और बेटिंग करना छुड़वाया था, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, फिर से तूने मुझसे क्रिकेट खिलवाया ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं रे, तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। रे तू देखने में गोरा है लेकिन अंदर से पूरा काला है तू, तू शादी करेगा? तेरी शादी में कोर्ट में जाकर रुकवाऊंगा, मैं देखता हूँ कौन शादी करवाता है तेरी। तुम सब 1 नंबर के धोखेबाज हो, 1 नंबर के लोफर हो, 1 नंबर के टपोरी हो, तुमसे शादी करने वाली लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे मैं कह देता हूँ, तेरी शादी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी तेरी शादी। चल हट रे मोटे, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन लोगों ने। तुम्हें वहां नहीं बैठना है, यहां बैठो। तुम चलो ना पहले। अरे चलो ना, बताती हूँ, बैठो ना। Thank you.
चलो तीसरी बार चलते हैं ना रिवाज के लिए। सच में? हे बॉबी, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ए बॉबी, तुमने इन लड़कियों को ब्लैकमेल किया, उनकी जिंदगियों से खेला, पर तुम्हें पता है किसके पापा ने क्या किया? मैं इनकी गलती समझ गया और इन दोनों की शादी करवा दूंगा। बॉबी, मैं तुम्हें अपने भाई जैसा समझती थी। छी। ए बॉबी, मैंने तुम्हारे कहने पर पैसों के लालच में सब गंदा काम किया, इनकी वजह से मैं होश में आ गया। मुझे पता भी नहीं है कि मेरे पति कहाँ है, क्या किया है तुमने उनके साथ। जबकि तुमने इतना कुछ किया है, तुम्हें पता है इसने पुलिस स्टेशन में तुम्हारे बारे में क्या कहा? उसने कहा कि तुम उसके बचपन के दोस्त हो, उसका भविष्य मत खराब करिएगा। ये होती है दोस्ती। क्या तुम अभी भी मुझे अपना दोस्त मानते हो? हे, दोस्त हमेशा दोस्त ही होते हैं। ये तेरी गलती नहीं है यार, तेरी सोच की गलती है। अरे बॉबी, तूने मुझसे 1 करोड़ रुपए लूट लिए, तेरी शादी कभी नहीं होगी, तू किसी भी कीमत पर शादी नहीं कर पाएगा।